समलैंगिकता का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। समलैंगिकता इसको ही बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी, और वो पुरुष में दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं गे, और वो स्त्री में दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं लेस्बियन। क्या होता है कि बच्चा उम्र में जब आता है, जिसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स सिक्रेट होना चालू हो जाते हैं, उसका उस समय अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाता है। अपोजिट सेक्स से बात करना, उनके पास में जाके बैठना, टच करना, वो नेचुरल है। कुछ लोगों को नेचुरली मतलब ऐसा है कि बिना कुछ किए पुरुष के तरफ आकर्षण हो जाता है, बिना कुछ किए ऐसे उनको आकर्षण लगता है सेम सेक्स के प्रति। या उनको किसी ने टच किया होगा, कोई लड़के ने जो होमोसेक्सुअल ऑलरेडी है, उसने उसको कुछ ना कुछ किस किया होगा, पकड़ लिया होगा या हस्त मैथुन करवा के लिया होगा, ऐसा कुछ तो भी उसने किया, सामने वाले ने किया रहता है, तो ये होमोसेक्सुअल बन जाता है। या उसने कोई सुना होगा, मूवी देखी होंगी, पॉर्न होमोसेक्सुअल देखे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें ये व्यक्ति जो है उसको होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाता है। यह हमारे देश में, हमारे कल्चर में सामाजिक दृष्टिकोण से यह अच्छा माना नहीं जाता है, हमारे यहां उसको सामाजिक दृष्टि से मान्यता नहीं है। मगर 6 सितंबर 1918 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है, इसको बीमारी नहीं कहा है, उसको एक्सेप्टेड बाय लॉ, लीगली एक्सेप्टेड है हमारे देश में। अब जो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती बात अलग है। मेरे काफी सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास में आते हैं कि जिनके माँ बाप एकदम अचानक इतने शॉक हो जाते हैं, क्योंकि घर में लड़के का जब वो शादी करने की बात करते हैं और शादी करने के समय फिर वो आनाकानी करता है, ना बोलता है, फिर और डीप में खोदते रहते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये गे है, होमोसेक्सुअल है। उनको शॉक बढ़ जाता है, यार ऐसा कैसा, अभी तक मालूम ही नहीं था हमको। तो ये बहुत दिखाई देता है। कुछ लोग बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब वो होमोसेक्सुअल भी है और बायसेक्सुअल भी है। अभी आज ही मुझे एक फोन आया था कि वो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार या ज्यादा भी कभी कभी उनके दोस्त लोग जो है बॉयफ्रेंड्स उनके साथ में सेक्स करता है, और हफ्ते में 1 या 2 बार उसकी वाइफ है उसके साथ में करता है, और दोनों तरफ वो एंजॉय करता है, बायसेक्सुअल है, मगर उसके वाइफ को मालूम नहीं कि ऐसा है, उसको पता भी लगता नहीं, मगर इसको मालूम है खुद को, तो वो गिल्टी फील करता है, गिल्टी लगता है उसको कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं ये, क्योंकि हमारे कल्चर में मान्यता नहीं है, और फॉरेन कल्चर में तो मान्यता है ही। तो बोले ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। तो गे लोगों की कम्युनिटी है, गे लोगों का एक कल्चर है, उनके व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, वो एक दूसरे को इशारे करते रहते हैं, बराबर एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते रहते हैं। काफी लोगों की ऐसी हिस्ट्री रहती है कि वो कॉमन पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं और वहां कोई गे ऐसे घूमते रहते हैं वहां, और वो आने के बाद में वहां कुछ ना कुछ धक्का लगाएंगे, कुछ तो भी करेंगे, और सामने वाले ने जो रेस्पॉन्स दे दिया तो समझ में आता है कि ये गे है, और फिर उनका वहां संबंध आता है। तो ऐसे ये एक कम्युनिटी है समलैंगिक। लेस्बियंस बहुत कम दिखाई देते, मतलब 100 होमोसेक्सुअल दिखाई दिए, मतलब मेरे पास में आए मेल्स, तो बाद में एक लेडी होमो मतलब लेस्बियन आती है, मतलब लेडी लेडी या महिला महिला, इतना मतलब रिपोर्टिंग तो भी इतना कम है, एक्चुअली पता नहीं कितना होगा। तो ये करीब करीब 3 से 4% लोग ये होमोसेक्सुअल होते हैं, और 8 से 10% लोग ये बायसेक्सुअल है, ऐसा कई स्टडीज में पाया गया है। अभी इसका इलाज है क्या? तो जो लोग बोलते कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल इलाज नहीं करना है, जो है वो बराबर है, कितना भी घर के लोगों ने फोर्स किया तभी वो खुश है जो चल रहा उसमें, तो उनका इलाज करने की जरूरत है नहीं, और करके फायदा भी नहीं, होगा भी नहीं। मगर जो लोग बोलते हैं हाँ मुझे अट्रैक्शन है बॉयज के तरफ, मैंने किया हुआ है 2-4 बार, मुझे इतना लेडीज की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, मगर अभी मैं शादी करना चाहता हूँ, घर के लोग भी फोर्स कर रहे हैं, तो शादी करने के बाद मुझे अट्रैक्शन लगना चाहिए, मैं नॉर्मल सेक्स करना चाहिए, तो उसके लिए जो आते हैं उनको हम काउंसलिंग करते हैं, उनको कोई मेडिसिन में देता हूँ, उनको मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ करने के लिए, और डेफिनेटली उनको फायदा होता है। लोग बोलते कि नहीं हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ, और लोग शादी भी करते हैं, उनका जीवन भी अच्छा शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों को बोल सकते हैं कि जिनको बदलने की इच्छा है अपना ओरिएंटेशन, या जिनको अच्छा होने की इच्छा है, या अच्छा मतलब कि भाई लड़की के साथ में शादी करना है, तो डेफिनेटली वो
एक कंसल्टेंट से बात करके, सेक्सोलॉजिस्ट से बात करके अपना ओरिएंटेशन बदल के अपना जीवन नॉर्मली जी सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी को शेयर करो, ताकि लोगों में इसके बारे में जो काफी गलत फहमियां दूर हो जाएगी और उनका जीवन वो अच्छी तरह से जी पाएंगे। हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें आप मेंटल पेशेंट को लाके भर्ती कर सकते हैं जो वायलेंट है, आक्रामक है, मारपीट करते हैं, बिना रिलेटिव्स हम भर्ती करते हैं, शराबी, ड्रग्स वाले, मंदबुद्धि के ये सभी लोग हम भर्ती करते रहते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।